भाई कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक नंबर 8 यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट का हमारा क्या है? बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इनसाइड ऑफ सेल्स, यानी कि जो सेल्स के अंदर आने वाले स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। हमें क्या पता है जनरली सेल मेम्ब्रेन्स क्या होती है? प्रत्येक सेल्स में प्रेजेंट रहती है, यानी कि हर सेल्स के अंदर क्या होती है? सेल्स मेम्ब्रेन होती है। अब से पहले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? सेल्स वॉल। सेल्स वॉल क्या होती है? मोटी लेयर होती है। जो सेल्स मेम्ब्रेन होती है ये एक थिंक लेयर होती है, लेकिन क्या होती है इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है? अलोड पर्सन को ये क्या या अलोड क्या जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें आने के लिए बोलती है सेल्स के इनसाइड। जो क्या होती है, जो अलोड नहीं होते हैं बिन विदाउट, मतलब के सेल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ की, वो क्या करेगी? सरफेस पे रोक देगी। ये क्या होता है? सेल्स मेम्ब्रेन का काम होता है। सेल मेम्ब्रेन का जो दूसरा नाम है वो नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा। अब हम क्या करते हैं, अपने बोर्ड के टॉपिक के चार्ट के अनुसार हम पढ़ के देखेंगे कि हमारे क्या है सेल्स वॉल में क्या है। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि द न्यू लेयर लाइंस इनसाइड ऑफ सेल्स वॉल एनक्लोज्ड द साइटोप्लाज्म। ये क्या होते हैं? जो इनसाइड लेयर होती है, इनसाइड का मीन्स होता है जो अंदर की साइड, ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड। जो इनसाइड वाली न्यू लेयर होती है, यानी कि लेयर बाय लेयर, लिपिड बाय लेयर होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है ये क्या होती है? न्यू लेयर होती है। ये क्या होती है? एनक्लोज्ड होती है, यानी कि क्लोज्ड होती है, बंद रहती है। किसके द्वारा? साइटोप्लाज्म के द्वारा। जो सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके द्वारा क्या होते हैं? एनक्लोज्ड होती है, यानी कि बाहर क्या होगी? आउटर मेम्ब्रेन होगी, अंदर की साइड होगी इनर न्यू मेम्ब्रेन, जो क्या होता है? साइटोप्लाज्म इससे डायरेक्टली अटैच्ड होता है। इसके कारण क्या होता है? ये जो न्यू लेयर होती है, जो हमारी न्यू लेयर होती है, ये क्या होती है? साइटोप्लाज्म के द्वारा एनक्लोज्ड होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? एनक्लोज्ड बाय द साइटोप्लाज्म, जो न्यू लेयर है हमारी इनर वाली। अब हमें क्या बताया दूसरे पॉइंट में? क्या बताया गया? ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड साइटो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका क्या है? इसे बताया गया, इसका दूसरा जो नाम है वो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या दूसरा एक और नाम है उसका नाम है प्लाज्मा लीमा। यानी कि सेल्स मेम्ब्रेन को क्या है हम और अदर नाम से पुकार सकते हैं, वो नाम है जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा। तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया? इट इज अबाउट 18 नैनोमीटर थिंग्स। जो इसकी क्या होती है, जो इसकी मोटाई होती है वो क्या होती है? 80 नैनोमीटर्स। क्या होती है? थिकनेस होती है, यानी कि इतनी पतली होती है। तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया? सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। ये क्या होती है? जो बैक्टीरियाज की सेल मेम्ब्रेन होती है वो दो कंपोनेंट के द्वारा, यानी कि तीन कंपोनेंट के द्वारा, लेकिन ये इनको दो भागों में, दो पॉइंट के अंदर ही बताया गया, फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फेट और लिपिड, और दूसरे में क्या बताया गया? प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड दोनों को, लिपिड को और फॉस्फेट को दोनों को कंबाइन कर वर्ड बनाया एक फॉस्फोलिपिड। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरियाज होती है, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो फॉस्फेट और दूसरा जो होता है वो होता है लिपिड, इसलिए इसका नाम बना फॉस्फोलिपिड। अब हमें क्या देखना है? फंक्शन देखने हैं किसके? सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में क्या है? इट इज सेलेक्टिवली परमीबिलिटी मेम्ब्रेन एज इट अलाउड पास
सेलेक्टिव सब्सटेंस सच एज शुगर एंड ए निगेटिव्स। इसमें हमने क्या बताया गया, इसके फंक्शंस में यह बताया गया ये क्या करती है, अलोड पार्टिकल्स को ही या अलोड सब्सटेंस को ही जो हमारी सेल्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या करती है, अंदर आने देती है। परमेबिलिटी का मीन्स होता है अलोड पर्सन को अंदर आने देना, या परमेबिलिटी का मीन्स होता है वो सब्सटेंस वो लेयर जो कुछ चीज़ को तो आने दे अंदर और कुछ चीज़ को बाहर ही रोक लें। जैसे कि हमारी चलनी होती है, आटा छानते हैं तो हम क्या करते हैं, बूर टाइप ऊपर रह जाता है, नीचे हमारा आटा वाइट कलर का चला जाता है। तो वो क्या है, हमारी हमारी जो चलनी है या सीव्स है उसने क्या किया, एक परमेबिलिटी की तरह काम किया, यानी कि कुछ चीज़ को तो जाने दिया और कुछ को रोक लिया। उस खासियत को क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। तो ऐसे हमारा जो जिस सेल वॉल का सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि अलोड पर्सन को आने देती है, अलोड सब्सटेंस को आने देती है, उसके कारण उस खासियत को उससे बोलते हैं परमेबिलिटी। जैसे कि हमने देखा शुगर या डबल ए निगेटिव को ही क्या कर रही है, हमारी सेल्स मेम्ब्रेन सेल्स के अंदर जाने दे रही है। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियोस, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि कोई टर्म्स आपका क्लियर नहीं हुआ, यदि आपको न्यू वीडियोस नए टर्म में बनवानी हो तो हमारी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।